हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। ये एनवायरनमेंट का जो 3000 क्वेश्चंस का जो आपकी श्रृंखला है उसका दूसरा पार्ट है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पूरे ये जो पूरी सीरीज है इसमें 3000 क्वेश्चंस एनवायरनमेंट के कवर किए जाएंगे, जो कि आपके लिए आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। और यूपी टेट में भी इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, जो आज का पहला क्वेश्चन है, नमक बनाया जाता है, चार ऑप्शंस हैं। चारों ऑप्शंस के आप कोई जो सही आंसर है उसका आंसर दीजिए। तो सही आंसर होगा इसका समुद्र के जल से नमक बनाया जाता है, समुद्र के जल से। अगला क्वेश्चन देखिए, जल के एक अणु के निर्माण में हाइड्रोजन के कितने परमाणु भाग लेते हैं। तो दोस्तों, जो जल के अणु एक अणु में का निर्माण होता है तो उसके हाइड्रोजन में जो परमाणु भाग लेते हैं वो होते हैं दो, और जल का सूत्र होता है वो होता है H2O। अगला देखिए, जल होता है पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्ध पारदर्शी या दूरदर्शी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पारदर्शी। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। शुद्ध जल की विद्युत चालकता होती है कम, अधिक, बहुत अधिक या मध्यम। तो सही आंसर होगा इसका कम। अगला क्वेश्चन है, जमने पर जल का घनत्व हो जाता है अधिक, कम, अपरिवर्तित या उपरोक्त सभी। तो जमने पर जल का घनत्व हो जाता है कम। अगला प्रश्न देखिए, पौधे की किस क्रिया में जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न, रक्त का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल होता है, 80%, 100%, 70% या 50%। तो रक्त का जो भाग होता है वो 80% भाग में जल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकी है, मछली, हाथी, चींटी या उपरोक्त सभी। तो बहुकोशिकी होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्थल प्राणी उसे कहते हैं जो तो पृथ्वी पर रहते हैं, जल में रहते हैं, हवा में रहते हैं या आकाश में रहते हैं। तो सही आंसर होगा पृथ्वी पर रहते हैं। अगला प्रश्न है, मछली का आवास कहाँ होता है, जल, जमीन, हवा या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर दीजिए इसका, करेक्ट आंसर होगा जल। अगला प्रश्न है, जल एवं जमीन दोनों स्थान पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं, जलचर, उभयचर, नभचर या मरुस्थलीय। तो जल एवं जमीन दोनों पर रहने वाले जो प्राणी होते हैं वो कहलाते हैं उभयचर। कौन सा उड़ने वाला पक्षी है, बतख, चोचा, नभचर स्तनधारी, तोता, चमगादड़, चूहा या बंदर। नभचर स्तनधारी, सही आंसर होगा चमगादड़। अगला प्रश्न, पक्षियों की विशेषता है मजबूत हड्डियां, छोटी हड्डियां, हल्की एवं खोखली हड्डियां या हड्डियों का अभाव। तो पक्षियों की विशेषता होती है हल्की एवं खोखली हड्डियां। रेंग कर चलने वाला प्राणी, घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ या उपरोक्त सभी। तो रेंग कर चलने वाला जो प्राणी है वो है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, कंगारू पाया जाता है भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में या नेपाल में। तो सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा जंतु अपना रंग बदल देता है, जेब्रा, कैमेलियन, चीता या मगरमच्छ। तो अपना रंग बदल देता है, सही आंसर होगा कैमेलियन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनी नहीं है, एकिडना, चींटीखोर, डॉल्फिन या शुतुरमुर्ग। स्तनी नहीं है, सही आंसर होगा शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न देखिए, आर्थ्रोपोडा का लक्षण है शरीर का कवर, जोड़ीदार टांगे, अखंडित शरीर या नोटोकार्ड। तो आर्थ्रोपोडा का लक्षण है जोड़ीदार टांगे। बिल्कुल, आप लोग सभी फ्रेंड हमारे आंसर दें, और इसके पूरे 3000 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए तो ये मान करके चलिए कि इससे बाहर एनवायरनमेंट का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है, बालकों के विकास में मुख्य दायित्व तो किसका होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा माता का। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है, करेक्ट आंसर है अरस्तु। अगला प्रश्न देखिए, बालक की प्रथम पाठशाला परिवार, समाज, राज्य या धर्म। करेक्ट आंसर होगा परिवार। अगला प्रश्न देखिए, परिवार समाजीकरण की संस्था है, कौन सी संस्था है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो सही आंसर होगा प्रथम।
घर के गुण ही नागरिकों के सर्वेष्ठ गुण बन जाते हैं, किसका कथन है? E.M. White का, A.J. Shah का, रेमोंड का या बोगार्ट्स का? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, E.M. White का। अगला प्रश्न, परिवार शिक्षा का मुख्य साधन है क्योंकि बालक परिवार में ही जन्म लेता है, बालक का पालन पोषण परिवार में ही होता है, बालक के व्यक्तित्व के विकास की नींव परिवार है, बालक परिवार में ही सभी सदस्यों के साथ रहता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बालक के व्यक्तित्व का विकास जो होता है वो परिवार में ही होता है। अगला प्रश्न है, मानव जीवन की प्राथमिक इकाई है परिवार, समुदाय, विद्यालय या राज्य? तो यहाँ पर प्राथमिक इकाई के बारे में पूछा है, तो करेक्ट आंसर होगा परिवार। फेमलस किस भाषा का शब्द है? लैटिन, अंग्रेजी, पाली या संस्कृत? तो फेमलस है लैटिन भाषा का। परिवार का कार्य है संतान उत्पत्ति, जाति की निरंतरता, यौन इच्छाओं की पूर्ति या उपरोक्त सभी? तो इसका हमारा आंसर सही होता है उपरोक्त सभी। पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है मानसिक विकास पर, चारित्रिक विकास पर, संवेगों के विकास पर या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, संयुक्त परिवार के सदस्य होते हैं माता पिता, उनके बच्चे, केवल एक पीढ़ी के सदस्य, बहुत अधिक सदस्य, दो से अधिक पीढ़ियों के सदस्य? तो संयुक्त परिवार के सदस्य होते हैं संयुक्त परिवार के, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। संयुक्त परिवार के जो सदस्य होते हैं वो होता है दो से अधिक पीढ़ियों के सदस्य। नगरों में संयुक्त परिवार का क्या हो रहा है? विघटन, संगठन, विस्तार या उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर होगा विघटन। अगला प्रश्न, द्वेष एवं कलह किसमें अधिक होता है? देखिए संयुक्त परिवार में, एकांकी परिवार में, ए तथा बी दोनों, या मिश्रित परिवार में? तो सही आंसर होगा जो द्वेष एवं कलह है ये होता है संयुक्त परिवार में। ये जरूरी नहीं है कि सभी में हो लेकिन अधिकांशतः देखा गया है क्योंकि उनके विचारों में तालमेल नहीं होता है। पारिस्थितिक तंत्र का महत्व है पदार्थों का चक्रण, ऊर्जा प्रवाह, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। पदार्थों का चक्रण और ऊर्जा प्रवाह दोनों पारिस्थितिक तंत्र में होते हैं। एक ही पोषण स्तर के जीवधारी हैं, कौन से हैं? जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्प एवं केचुआ। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है? ऊर्जा का प्रवाह, पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण, जीवधारियों में विद्यमान विविधता या अजैविक पदार्थों का चक्रण? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवधारियों में विद्यमान विविधता, ये इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न, पर्णपाती वन पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर होगा शीतोष्ण प्रदेशों में। समुद्री पायतंत्र में पौधे कितनी गहराई तक पाए जाते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 200 मीटर। जंतु श्वसन में कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या कार्बन? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कब दिन व रात की अवधि बराबर होती है? 23 मार्च, 22 सितंबर, 22 जून, 23 सितंबर, 23 मई, 22 सितंबर या 22 जून, 23 सितंबर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 23 मार्च और 22 सितंबर। सघन वन में स्पर्धा उत्पन्न होती है शाकी पौधों में, झाड़ियों में, वनों में या उपर्युक्त सभी में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी में। लाइकेन्स अभिव्यक्त करते हैं सहोपकारिता, सहभोजिता या परजीविता या मृतोपजीविता? तो लाइकेन्स अभिव्यक्त करते हैं सहोपकारिता। तो ये सेकंड पार्ट था हमारे जो 3000 क्वेश्चन है EVS के, इसका ये सेकंड पार्ट था। अगला पार्ट हम आपके लिए फिर से लेके आएंगे, सो आप लोग जब तक बने रहिएगा और कंटिन्यू रखिएगा, 3000 क्वेश्चन के बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये बिल्कुल आप लोग विश्वास रखिएगा और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर रखिएगा। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।